Hello, welcome to beingor.com. Today we are going to study two-phase simplex method. तो टू फेस सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी हमें प्रॉब्लम देखे रखी है हम उसे कन्वर्ट टाइप में करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आपको देखे रखी है उसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, पहले मैक्सिमाइजेशन टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आपको देखे रखी है मिनिमाइजेशन टाइप में तो हम क्या करेंगे, उस मिनिमाइजेशन टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को काय में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस मिनिमाइजेशन टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंस्टेंट रहेंगे, अगर कंस्टेंट रहेगा हमारा लेस देन टाइप का तो हम क्या करेंगे, उस कंस्टेंट लेस देन टाइप कंस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऐड कर देंगे, स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे, जिससे हमारा कंस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंस्टेंट रहेगा ग्रेटर देन टाइप का तो हम क्या करेंगे, कंस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड से सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम क्योंकि जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा है ना, उसकी वैल्यू हमें कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी कंस्टेंट रहेगा ग्रेटर देन टाइप का तो सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर कंस्टेंट रहेगा इक्वल्स टू टाइप का तो हम क्या करेंगे, उस केस में कंस्ट्रेंट अगर इक्वल टाइप का रहेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अभी टू फेस मेथड है तो टू फेस मेथड में हम प्रॉब्लम को दो फेस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले फेस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, मैं बता रहा हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन इसका। फर्स्ट फेस में हम क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता है उसको हटा देते हैं। सेकेंड फेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम रहती है हम उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फेस फर्स्ट में हम करते क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसको ना यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक नया या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं यहां पे, जेड स्टार स्टार नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कॉस्ट के कोएफिशिएंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, जो कॉस्ट कोएफिशिएंट रहेंगे किसके, आर्टिफिशियल वेरिएबल के कितने रहेंगे, वो माइनस वन और जितने भी अदर वेरिएबल है, x1, x2, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, उन सभी के जो कोएफिशिएंट है वो कितने मानते हैं, हम जीरो मानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा फेस वन में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज z स्टार स्टार इक्वल्स टू माइनस वन इंटू में होगा सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल, मतलब माइनस वन इंटू ए वन माइनस वन इंटू ए टू। अगर आप दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे, अगर आप तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन ए वन माइनस वन ए टू माइनस वन इंटू ए थ्री, ठीक है। मतलब माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फिर अब करना क्या आपको, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके और जो ओरिजिनल आपको कंस्टेंट दे के रखे हैं उनका यूज करके क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव अपना मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो हमारी ऑप्टिमिटी कंडीशन क्या होती है कि सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो मैं प्रॉब्लम में बताऊंगा आगे आपको। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन या जो ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, अगर जीरो आ जाए, ठीक है, और हमारी ऑप्टिमिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम क्या करेंगे, फेस टू पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब फेस टू में हम क्या करेंगे, देखिए फेस टू में हम करते क्या है कि स्टार्ट करेंगे हम किससे, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, ऑब्टेन्ड इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ फेस वन। फेस वन का जो हमारा फाइनल सिंप्लेक्स टेबल रहेगा उसमें जो हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला है ना, उससे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को, है ना, पहला टेबल इससे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी हमने फेस वन में क्या किया था कि डमी या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको कहाँ पे यूज करेंगे, फेस टू में यूज करेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले प्रॉब्लम को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमें ये वाली स्टेप यहाँ पे यूज ना करना पड़े, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन देके रखा है मिनिमाइजेशन टाइप में तो हम उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, मैक्सिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ऑप्टिमिटी कंडीशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा ऑप्टिमिटी कंडीशन आ जाएगी सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम है वो कैसा है, यहाँ पे ऑप्टिमल है। ये कंडीशन किसके लिए यूज करते हैं, हम मैक्सिमाइजेशन के केस में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे टू फेस की, तो आपको प्रॉब्लम देख रखी है,
अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला यहां पे, यूज टू फेस सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम दी आपको, मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया आपको मिनिमाइजेशन टाइप का, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को काय में कन्वर्ट कर देंगे, मैक्सिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने इसको नाम दिया मैक्सिमाइज जेड स्टार। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा x1 प्लस x2 उसमें क्या करेंगे, -1 से इनटू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -x1 -x2, ठीक है, सब्जेक्ट टू, अब जो कंस्टेंट है, अब यहाँ पे जो कंस्टेंट है किस टाइप के, यहाँ पे ग्रेटर देन टाइप के कंस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे। दैट इज हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x1 प्लस x2 माइनस सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है। ऐसे सेकंड कंस्ट्रेंट में हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 प्लस 7x2 माइनस s2 सेकंड सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 7। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जितने भी वेरिएबल है x1 x2 s1 s2 और a1 a2 ये सारे कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो s1 s2 के कोएफिशिएंट है वो कितने आएंगे यहाँ पे, 0 रहेंगे। और जो a1 a2 के कोएफिशिएंट है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो इनके जो कोएफिशिएंट है वो किस में आएंगे हमारे, माइनस में आएंगे। दैट इज क्या हो जाएगा ये -MA1 और ये हो जाएगा -MA2, ठीक है। अब हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व किससे करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी चेंज करेंगे। मतलब ये तो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, जो हमारा नया या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यूज करेंगे इसमें फेस वन में। तो देखिए फेस वन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइज जेड स्टार देकर रखी है, तो हम क्या करेंगे जो हमारे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, बाकी सभी वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो 0 कर देंगे। अब देखिए यहां पे अगर मैं x1 का कोएफिशिएंट 0 करता हूं तो 0 * x1 0 हो जाएगा, x2 का कोएफिशिएंट 0 करता हूं 0 * x2 0, इनके कोएफिशिएंट 0 ऑलरेडी है तो ये सारा 0 हो जाएगा। a1 का कोएफिशिएंट कितना करना है हमको, -1 करना है। a2 का कोएफिशिएंट कितना करना है हमें, ये भी -1 करना है। तो हमारे पास फेस 1 में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा मैक्सिमाइज जेड स्टार स्टार इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -a1 एंड -a2 -a1 -a2, ठीक है। सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट है वो हमारी प्रॉब्लम के जो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट है वही आपको यूज करना है। तो ये प्रॉब्लम के ओरिजिनल कंस्ट्रेंट है तो इन कंस्ट्रेंट को हम एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ पे। दैट इज क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x1 प्लस x2 -s1 प्लस a1 इक्वल्स टू 4, फिर नेक्स्ट है x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल्स टू 7। और ये जो वेरिएबल है यहाँ पे x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देख करा क्या हमने यहाँ पे, दोनों फॉर्म लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का था उसको हमने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया, बट मुझे इसको सॉल्व करना है टू फेस मेथड से, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज मैं सिंपलेक्स टेबल में नहीं करूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे फेस वन के लिए केवल, उसमें हम क्या करेंगे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते कि प्रॉब्लम आप मिनिमाइजेशन में सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो आप किसका मल्टीप्लाई करते हैं, +1 का इनटू करते हैं, ठीक है। बट मैं पूरी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में सॉल्व कर रहा हूं और एंड में इसको अपन मिनिमाइजेशन में फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, वो इजी स्टेप है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन जेड स्टार स्टार -a1 -a2 करा और जो कंस्टेंट है वो प्रॉब्लम के जो ओरिजिनल कंस्टेंट है हम उन्हीं का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम काय में रखेंगे,
इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं बिगेम मेथड के या सिंपलेक्स मेथड के, जिसमें आपको ये चीज इजीली समझ में आ सकती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये फेस वन के अंदर इनिशियल सिंपलेक्स टेबल है, अब इसमें हमें सारी वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीजे में, सीजे मतलब कॉस्ट कोएफिशिएंट आएंगे। तो देखिए फेस वन के अंदर हमारे जो कॉस्ट कोएफिशिएंट है एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू के, मैंने क्या बोला आपको कितना रखना है, जीरो रखना है। तो एक्स वन का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ कितना आएगा, जीरो। एक्स टू का कोएफिशिएंट भी जीरो, एस वन का कोएफिशिएंट ये भी जीरो, और एस टू का कोएफिशिएंट भी कितना आएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, ए वन का कोएफिशिएंट माइनस वन है, ए टू का कोएफिशिएंट भी कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। तो यहाँ पे जो ए वन ए टू देके रखा है इनका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, माइनस वन और माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो बेसिस के अंदर कौन से वेरिएबल आएंगे ये पता करना है मुझे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो वेरिएबल है एक्स वन एक्स टू एस वन और एस टू, इन सभी को रख दो जीरो के बराबर, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। जब इनको मैंने जीरो के बराबर रखा, तो इन दोनों इक्वेशन में जीरो रखो तो मुझे ए वन कितना मिल जाएगा, फोर, और ए टू कितना मिल जाएगा मुझे, सेवन। इनको क्या बोलेंगे हम, बेसिक वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। अभी जो बेसिक वेरिएबल आए इनकी वैल्यू आपको कहां में रखना है, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में पुट अप करनी है। तो देखिए दो बेसिक वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे, ए वन ए टू, तो हमने क्या कर दिया, जो बेसिस है इसके अंदर क्या लिख दिया, ए वन और ए टू लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, ए वन ए टू लिखने के बाद ए वन ए टू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, फोर और सेवन आ रही है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ए वन के सामने ये लिखा वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, यहाँ फोर लिख दिया, और ए टू के सामने कितना लिख दिया, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल सेवन लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इन ए वन ए टू के जो कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। ये फेस वन में देखना आपको क्या कोएफिशिएंट आ रहे हैं, माइनस वन और माइनस वन आ रहे हैं, ये मत ले लेना, ये गलत हो जा रहा है आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इनके जो कोएफिशिएंट है वो लिखे यहाँ पे क्या, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो मुझे फिलअप करना है, तो रिमेनिंग मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एस वन प्लस ए वन, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली रो रहेगी उसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे, क्या क्या कोएफिशिएंट आएंगे हमारे पास यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा टू, फिर नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा, टू के बाद आ जाएगा यहाँ पे वन, फिर एस वन का कोएफिशिएंट माइनस वन, फिर ऐसे ही ए वन का कोएफिशिएंट कितना आएगा, वन, एस टू है नहीं तो कितना आएगा, जीरो, ए वन का कोएफिशिएंट वन, और ए टू का कोएफिशिएंट कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड जो कंस्टेंट है इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ जाएंगे, सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो क्या कंस्टेंट है देखिए यहाँ पे, एक्स वन के साथ कोएफिशिएंट वन है तो एक्स वन वेरिएबल के नीचे कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, वन लिख देंगे। एक्स टू के साथ कोएफिशिएंट कितना है, सेवन है तो एक्स टू के नीचे कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, सेवन लिख देंगे। एस वन के साथ कितना कोएफिशिएंट है, सेकेंड वाले में एस वन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कितना मानेंगे इसको हम, जीरो। सेकेंड में एस टू के साथ कितना कोएफिशिएंट आ रहे हैं, माइनस वन, तो एस टू का कोएफिशिएंट कितना होगा, माइनस वन। सेकेंड वाले में ए वन नहीं आ रहा है तो क्या कोएफिशिएंट रहेगा, जीरो, और ए टू का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, वन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये जो कंस्टेंट थे इनके जो कोएफिशिएंट है उसको हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम जेड जे। जेड जे कैसे फाइंड करते हैं उसका ट्रिक बताई थी आपको, जिसे सिंपलेस्ट वाले मेथड में आप देख सकते हैं। जेड जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम सी बी का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे अपन, जेथ कॉलम के अंदर करेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, इस माइनस वन का इंटू टू में करा, इस माइनस वन का इंटू वन में करा, और दोनों को क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। दैट इज क्या करेंगे देखो, माइनस वन इंटू टू दैट इज कितना होगा, माइनस टू, फिर माइनस वन इंटू वन दैट इज कितना होगा, माइनस वन, और इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, ये माइनस का थ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो जेड जे कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का थ्री। ऐसे ही इसका इंटू वापस से किस में करेंगे, सेकेंड कॉलम में करेंगे, एक्स टू वाले कॉलम में। तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस वन इंटू सेवन माइनस सेवन, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, माइनस का एट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एस वन कॉलम में माइनस वन इंटू माइनस वन वन, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना आएगा यहाँ पे, वन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट माइनस वन इंटू
0, 0 हो जाएगा, minus 1 into minus 1 plus 1, तो 0 plus 1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, plus का 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसी next, A1 column into करेंगे, minus 1 into 1, minus 1, minus 1 into 0, 0, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, minus का 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसी next, minus 1 into 0, 0, minus 1 into minus 1 कितना होगा, minus 1 हो जाएगा, sorry, minus 1 into 1 कितना होगा, minus 1, तो 0 प्लस माइनस 1 ये कितना होगा यहां पे माइनस का 1 हो जाएगा ठीक है अब मुझे क्या फाइंड करना है नेक्स्ट यहां पे cj माइनस zj फाइंड करना है अब cj माइनस zj हम कैसे निकालते हैं ऊपर cj लिखा है तो 0 में से कितना माइनस कर देंगे माइनस 3 तो आप सभी को पता है अगर 0 में से माइनस किया माइनस 3 तो ये हो जाएगा कैसा प्लस का 3 हो जाएगा यहां पे ठीक है तो यहां कितना मिलेगा हमको प्लस 3 फिर 0 में से माइनस किया माइनस 8 तो कितना हो जाएगा ये प्लस 8 0 में से माइनस किया 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 0 में से माइनस किया 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 फिर माइनस 1 में से माइनस किया माइनस 1 मतलब माइनस 1 में से माइनस किया माइनस का 1 तो ये माइनस 1 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ऐसे नेक्स्ट पे कितना होगा 0 होगा ठीक है अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन फेस 1 में है किस टाइप का मैक्सिमाइजेशन टाइप का है ना फेस 1 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा कैसा मैक्सिमाइजेशन टाइप का तो जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन होती है वो क्या रहेगी इस केस में कि जो cj माइनस zj है वो कैसा होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए किसके लिए जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो कैसा मैक्सिमाइजेशन टाइप का ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है cj माइनस zj रो में सारी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं आ रही है इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी ऑप्टिमल नहीं है ठीक है तो हमें क्या करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है ठीक है अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा ठीक है ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है क्योंकि cj माइनस zj में सारी वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं आ रही है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा ठीक है अब इंप्रूव करने का मतलब क्या होगा कि ये जो बेसिस में वैल्यू आ रही है इनसे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे इन बेसिक वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्या करेंगे इस बेसिस में से बाहर कर देंगे दैट इज आउटगोइंग वेरिएबल और ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल है x1 x2 s1 s2 इनमें से एक वेरिएबल कहां पे आएगा बेसिस में आएगा दैट इज इनकमिंग वेरिएबल ठीक है तो अब कैसे करना देखिए वो सिंपल सा कांसेप्ट है पहले हम क्या फाइंड करेंगे नए टेबल के लिए इनकमिंग वेरिएबल ठीक है ये रहेगा हमारा इंप्रूव्ड सॉल्यूशन ठीक है अब देखो इनकमिंग वेरिएबल कैसे फाइंड करना इनकमिंग वेरिएबल बहुत सिंपल है cj माइनस zj रो में जो भी वैल्यू रहेगी मोस्ट पॉजिटिव उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल आएगा वह रहेगा इनकमिंग वेरिएबल तो cj माइनस zj रो में मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है और 8 के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है कितना आ रहा है x2 आ रहा है ठीक है तो जो वेरिएबल x2 रहेगा वो क्या रहेगा हमारा इनकमिंग वेरिएबल रहेगा ठीक है तो वेरिएबल x2 क्या रहेगा इनकमिंग वेरिएबल क्यों रहेगा एज इट हैज मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन cj माइनस zj रो ठीक है और इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे की कॉलम बोलेंगे क्लियर नेक्स्ट अब क्या करेंगे हमको फाइंड करना है क्या आउटगोइंग वेरिएबल फाइंड करना है ठीक है अब मुझे फाइंड करना है यहां पे आउटगोइंग वेरिएबल अब आउटगोइंग वेरिएबल आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए हम सबसे पहले जो लास्ट कॉलम है उस लास्ट कॉलम में क्या फाइंड करेंगे मिनिमम पॉजिटिव रेशियो फाइंड करेंगे ठीक है तो सबसे लास्ट कॉलम हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे यहां पे मिनिमम पॉजिटिव रेशियो जिसको हम नाम देंगे थीटा कैसे फाइंड करेंगे जो हमारी वैल्यू है बेसिक वेरिएबल बी की उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे की कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कर देंगे ठीक है दैट इज यहां पे जो 4 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से दैट इज कितना आएगा 4 7 किससे डिवाइड होगा 7 से दैट इज 7 डिवाइड बाय 7 दैट इज कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ठीक है अब इन दोनों में मिनिमम कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो जो आउटगोइंग वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है a2 है तो जो आउटगोइंग वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा हमारा a2 हो जाएगा ठीक है मतलब जो a2 रहेगा वो क्या हो जाएगा यहां पे
आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो आउटगोइंग वेरिएबल कितना आएगा यहाँ पे, A2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, डिवाइड हमें हमेशा किससे करना है, पॉजिटिव वैल्यू से करना है। अगर की कॉलम में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप उसकी जगह डैश यूज करना है, आपको वहां डिवाइड करके नहीं लिखना है, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम पॉजिटिव रेशियो लिखा है, ठीक है। तो हमारा रेशियो हमेशा कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। अब आउटगोइंग वेरिएबल A2 आ गया, तो आपको ध्यान क्या रखना है, नए सिंप्लेक्स टेबल में इस A2 वाले कॉलम का हमको यूज नहीं करना है, इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। टू फेस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मेन, वो क्या रहता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्रॉब्लम में से रिमूव करना है, ठीक है। तो जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेगा, आउटगोइंग वेरिएबल, तो आपको उसको नए सिंप्लेक्स टेबल में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमारा आउटगोइंग वेरिएबल A2 हो गया है, तो A2 को हम नए टेबल में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो की कॉलम है, की कॉलम कितना आएगा, देखिए, सॉरी की कॉलम नहीं, की एलिमेंट, जो की एलिमेंट है, अब वो की एलिमेंट कितना आएगा, की एलिमेंट देखिए यहां पे क्या हो रहा है, की कॉलम कौन सा आ रहा है हमारा, X2 कॉलम आ रहा है, और की रो कौन सी आएगी, जिस रो में आउटगोइंग वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, दैट इज A2 वाली रो आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक एलिमेंट आ रहा है 7, ठीक है। तो इस 7 को हम क्या बोलेंगे, की एलिमेंट बोलेंगे, ठीक। तो हमने करा क्या यहाँ पे, अभी पहले सिंप्लेक्स टेबल में जो नॉर्मली हम करते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में, हमने सॉल्व करा यहाँ पे मेथड, क्या करा, ZJ निकाला, CJ-ZJ निकाला, CJ-ZJ में सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ रही थी, इसलिए हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन को इम्प्रूव करा, कैसे इम्प्रूव करा, हमने फाइंड करा इनकमिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल। ये क्यों फाइंड करा, क्योंकि बेसिस में जो वेरिएबल दे के रखे है इनसे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया, तो हमने क्या करा, इनको यहां से रिमूव करने के लिए क्या करा, इनकमिंग वेरिएबल फाइंड करा और आउटगोइंग वेरिएबल फाइंड करा, ठीक है। तो बेसिस में से एक वेरिएबल बाहर जाएगा और नॉन बेसिक में से एक वेरिएबल क्या होगा, इस बेसिस के अंदर आएगा। तो बेसिस में से कौन सा वेरिएबल बाहर जा रहा है, A2, और बेसिस में कौन सा वेरिएबल अंदर आएगा, X2 आएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हम काय में रखेंगे, नए सिंप्लेक्स टेबल में रखेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। ये पहला सिंप्लेक्स टेबल था, जो नेक्स्ट है उसको बोलेंगे हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। अब इस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में ध्यान क्या रखना है आपको, इस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में जो कॉस्ट कोएफिशिएंट है वो सारे सेम आएंगे, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, और A1 के साथ कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ये ऊपर लिखा है सेम। A2 को हमने हटा दिया यहाँ से, A2 का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब बेसिस में क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखना है, A1 तो ऐसा कैसा आएगा बेसिस के अंदर, तो मैंने A1 ऐसा कैसा लिख दिया है, ठीक है। अब A2 की जगह क्या आएगा यहाँ पे, इनकमिंग वेरिएबल कितना हो गया X2 और आउटगोइंग कितना हो गया A2, तो A2 तो रिमूव हो गया, अब क्या आ गया उसकी जगह, X2 आ गया। तो जहां हमने लिखा था A2 वहां क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे X2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको नेक्स्ट, A1 का जो कोएफिशिएंट है कितना देके रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, -1 देके रखा है ना फेस 1 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और X2 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना देके रखा है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कितना दिया है यहाँ पे आपको, 0 देके रखा है, क्लियर। अब क्या करना है हमको, इस A1 की वैल्यू, तो इस A1 की वैल्यू अभी फाइंड नहीं होगी, कब फाइंड होगी, जब हम इस यहाँ पे सारी वैल्यू को वापस से नया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा सेकंड सिंपलेक्स टेबल, तो इस टेबल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, न्यू नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पहला सिंपलेक्स टेबल था इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ओल्ड नाम दे रहे हैं। देखिए करना क्या रहता है, हमको सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो की एलिमेंट रहेगा, ठीक, इस की एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो की एलिमेंट 7 आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। तो देखिए वो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, ये हो गया हमारा ओल्ड सिंप्लेक्स टेबल इनिशियल वाला, और जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हो कैसा हो गया, न्यू हो गया, हमें रो ऑपरेशन लगाने। तो ये जो ओल्ड सिंप्लेक्स टेबल है तो इसमें दो रो आ रही है, एक हो जाएगी R1 ओल्ड और एक हो जाएगी R2 ओल्ड, ठीक है। वो जो नया सिंप्लेक्स टेबल है उसमें भी दो रो आ रही है, एक हो जाएगी R1 न्यू और एक हो जाएगी हमारी R2 न्यू, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, ये जो R2 ओल्ड है इसमें आ रहा है हमारा की एलिमेंट, तो नए टेबल में भी कहां पे आएगा, ये R2 न्यू में आ जाएगा। तो मुझे चेंज क्या में करना रहेगा, R2 न्यू में। तो करना क्या मुझे, इसको 1 बनाना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इस पूरी रो को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये 7 की जगह कितना जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, मतलब जो मेरा की एलिमेंट है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन लगाने के लिए देखिए हम ट्रिक क्या लगा रहे हैं यहाँ पे,
कि जो R2 new है, change होगा R2 new में, क्या change होगा कि R2 old, old मतलब पहला simplex table, ठीक है, R2 old जो है उसको multiply किससे करना है, 1 by 7 से, या हमेशा बोल सकते हैं divide किससे करना है, 7 से divide करना है. तो देखिए यहाँ पे, यहाँ element लिखा था 1 7 0 -1 0 और b की वैल्यू थी यहाँ पे 7. अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 7, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 बाय 7, ये 0 और ये 7 बाय 7 कितना हो जाएगा, ये 1. तो ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, R2 न्यू की वैल्यू, ये 7 बाय 7 कितना हो गया यहाँ पे 1. ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, R2 ओल्ड की हमने एलिमेंट लिख दिया, उसको डिवाइड किससे कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे 1 लिखा था पहले, तो 1 बाय 7 हो गया, यहाँ पे 7 था तो 1 हो गया, यहाँ 0 की जगह 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 7, ये 0, A2 नहीं आ रहा है, और बेसिक वैल्यू कितनी होगी, 7 बाय 7 दैट इज 1 हो जाएगी. तो R2 न्यू में जो हमारा नया टेबल है उसमें हम क्या वैल्यू लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू, 1 बाय 7, फिर 1 बाय 7 1 0 माइनस 1 बाय 7 0 माइनस 1 बाय 7 और 0 और b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1. ठीक है, 1 बाय 7 1 0 की वैल्यू हम पुट अप कर दी यहाँ पे, 1 बाय 7 1 0 माइनस 1 बाय 7 0 और 1. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, ये जो की एलिमेंट आया, इस की एलिमेंट को 1 बनाने के बाद है ना, इस 1 की हेल्प से मुझे क्या करना है, की कॉलम के बाकी एलिमेंट क्या करना है, 0 करना है. ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए की कॉलम के जो बाकी एलिमेंट है 0 यहां तो हो नहीं सकते, ये ओल्ड टेबल में तो होंगे नहीं, कहां पे होंगे, वो न्यू टेबल में होंगे. ठीक है, अब न्यू टेबल में की कॉलम एक रो बची यहां पे, तो रो ऑपरेशन लगाना है. तो हम क्या करेंगे, अब चेंज काय में होगा, R1 न्यू में होगा. ठीक है, अब R1 न्यू में आपको चेंज करना है इस की एलिमेंट 1 की हेल्प से. तो कैसे करेंगे, वो सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे, R1 न्यू में ऑपरेशन लगाएंगे, किसकी हेल्प से, R2 न्यू की हेल्प से. ठीक है, R1 न्यू में चेंज होगा किसकी हेल्प से, R2 न्यू की हेल्प से. कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं ऑपरेशन बता रहा हूं आपको, हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे R1 न्यू में किसकी हेल्प से, R2 न्यू की हेल्प से. अब दिमाग लगे, यहाँ पे R1 न्यू है तो यहाँ कितना जाएगा, R1 ओल्ड आ जाएगा. ठीक है, अब R1 ओल्ड में यहाँ पे 1 देके रखा है, ये हमारा ओल्ड टेबल है, R1 ओल्ड में यहाँ कितना देके रखा है, की कॉलम के अंदर 1 देके रखा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 ओल्ड और R2 न्यू में, R2 न्यू के अंदर हम देखें तो R2 न्यू में की कॉलम में कितना गया, यहाँ पे 1 आ गया. तो अगर मैं दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दूं तो की कॉलम के जो बाकी एलिमेंट है क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे. ठीक है, जो पहली रो का एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे R1 ओल्ड हम लिख लेते हैं एज इट इज, जो आपको दे के रखा है. तो R1 ओल्ड के अंदर आपको क्या दे के रखा है यहाँ पे वैल्यू, 2 1 -1 0 1 और b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4. ठीक है, ऐसे ही R2 न्यू, अब R2 न्यू जो आया भी हमारा ऊपर लिखा ही हुआ है, वैसे R2 न्यू कितना आया, 1 बाय 7 1 0 माइनस 1 बाय 7 0 और 1. अब क्या करना है, इसको आपको माइनस करना है, तो साइन चेंज कर दीजिए. तो 2 माइनस अगर मैं 1 बाय 7 करूंगा तो 7 2 14 14 माइनस 1 ये हो जाएगा 13 बाय 7, फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 0 दैट इज माइनस 1, ये 0 प्लस 1 बाय 7, ये 1 बाय 7, 1 माइनस 0 1 और 4 माइनस 1 कितना होगा 3. तो ये हमें किसके एलिमेंट मिलेंगे, R1 न्यू के एलिमेंट मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड सिंपलेक्स टेबल है उसमें हम क्या पुटअप कर देंगे वैल्यू यहाँ पे, देखिए क्या वैल्यू पुटअप करना है R1 न्यू में, यह आ जाएगा यहाँ पे 13 बाय 7, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर 1 बाय 7, ए 1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है, ये पुट अप कर दिया, क्लियर. तो हमने करा क्या यहाँ पे, की एलिमेंट को 1 बनाया, उस की एलिमेंट को 1 बनाने के बाद यहाँ पे क्या करा, हमने की एलिमेंट को 1 बनाया, इस की एलिमेंट को 1 बनाने के बाद क्या करा, की कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 कर दिए. तो की कॉलम में एक और एलिमेंट डाला था R1 में, तो हमने क्या करा, उस एलिमेंट को 0 कर दिया रो ऑपरेशन लगा के. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब वापस से हम क्या फाइंड करेंगे, ZJ फाइंड करेंगे. अब ZJ निकालने का तरीका पता ही है, ये जो कॉलम CB है इसका इंटू किस में करना है,
jth कॉलम में करना है ना. अब देखो माइनस वन इंटू थर्टीन बाय सेवन करूंगा तो कितना होगा ये माइनस थर्टीन बाय सेवन, जीरो इंटू वन बाय सेवन तो ये हो जाएगा जीरो. तो माइनस वन का इंटू हुआ थर्टीन बाय सेवन में, जोड़ने पे कितना मिलेगा मुझे माइनस थर्टीन बाय सेवन. ऐसी माइनस वन इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा जीरो आ जाएगा. फिर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, जीरो इंटू जीरो जीरो तो ये कितना होगा जोड़ने पे प्लस का वन आ जाएगा. ठीक है, फिर ऐसे ही माइनस वन इंटू वन बाय सेवन कितना होगा माइनस वन बाय सेवन और जीरो इंटू वन माइनस वन बाय सेवन जीरो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये माइनस का वन बाय सेवन. ठीक है, फिर ऐसे माइनस वन इंटू वन माइनस वन, जीरो इंटू जीरो जीरो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जेड जे आ गया, अब फाइंड करेंगे हम यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे. तो सी जे जीरो है, जेड जे माइनस थर्टीन बाय सेवन है, तो जीरो में से अगर मैं माइनस करूंगा थर्टीन बाय सेवन तो ये हो जाएगा प्लस का थर्टीन बाय सेवन. ठीक है, फिर जीरो में से माइनस करा जीरो तो जीरो है ना, सी जे माइनस जेड जे तो जीरो माइनस वन, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे जीरो माइनस वन माइनस का वन आ जाएगा. फिर जीरो में से माइनस किया मैंने वन बाय सेवन तो कितना होगा ये प्लस का वन बाय सेवन. फिर माइनस वन और माइनस वन करा तो कितना हो जाएगा ये जीरो है ना, माइनस वन में से माइनस किया माइनस वन दैट इज कितना होगा जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो फेस वन में है, ठीक है, फेस वन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या माना हमारे मैक्सिमाइजेशन टाइप का है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमिटी कंडीशन क्या होगी, सी जे माइनस जेड जे कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. ठीक है, सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम के लिए. तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, एक वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, दो वैल्यू कैसे आ रही, पॉजिटिव आ रही है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, वापस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना रहेगा, मतलब मुझे फिर से क्या फाइंड करना रहेगा यहाँ पे, इनकमिंग वेरिएबल और फिर से क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, आउटगोइंग वेरिएबल. ठीक है, तो इनकमिंग वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि ये जो बेसिस में वेरिएबल आ रहे हैं इनसे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेसिस में से किसी एक वेरिएबल को बाहर करना पड़ेगा, दैट इज मुझे फाइंड करना पड़ेगा आउटगोइंग वेरिएबल, और जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल है उनमें से किसी एक वेरिएबल को बेसिस के अंदर लाना पड़ेगा, दैट इज फाइंड करना पड़ेगा मुझे इनकमिंग वेरिएबल. ठीक है, अब इनकमिंग वेरिएबल किस निकालेंगे, जो भी हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू रहेगी किसमें से, सी जे माइनस जेड जे में से, उसको हम क्या मान लेंगे, इनकमिंग वेरिएबल मान लेंगे. ठीक है, तो अब सी जे माइनस जेड जे में से अगर हम देखें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो क्या आएगी, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ आ रहा है वन बाय सेवन, यहाँ आ रहा है थर्टीन बाय सेवन. ठीक है, तो इन दोनों में से अगर मैं मोस्ट पॉजिटिव देखूँ तो कितना आ जाएगा वो थर्टीन बाय सेवन आ जाएगा, मोस्ट पॉजिटिव. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, एक्स वन आ रहा है. तो ये जो कॉलम है क्या हो जाएगा, की कॉलम हो जाएगा, और जो इनकमिंग वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वन हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स वन क्या होगा हमारा, इनकमिंग वेरिएबल. क्यों होगा, क्योंकि सी जे माइनस जेड जे रो में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मोस्ट पॉजिटिव आ रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, आउटगोइंग वेरिएबल फाइंड करना है. तो आउटगोइंग वेरिएबल फाइंड करने के लिए ये जो हमारा लास्ट कॉलम है, इस लास्ट कॉलम में हम क्या फाइंड करेंगे, मिनिमम पॉजिटिव रेशियो थीटा. इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वेरिएबल बी की वैल्यू डिवाइड किससे करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम से. अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 3 दी है, डिवाइड किससे करना है, 13 बाय 7 की कॉलम से, 13 बाय 7 से. तो ये कितना होगा, 7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा ये 21 बाय 13. फिर की b की वैल्यू 1 दी है, डिवाइड किससे करना है, 1 बाय 7 से. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 7 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा. ठीक है, अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, कौन सा मिनिमम आएगा, 21 बाय 13 क्या आएगा, मिनिमम आएगा. तो इस रो को हम क्या बोलेंगे, की रो बोलेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, a1 आ रहा है. तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, तो a1 क्या रहेगा हमारा, आउटगोइंग वेरिएबल रहेगा. क्यों रहेगा, क्योंकि वेरिएबल a1 की वैल्यू, a1 का जो रेशियो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, मिनिमम आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना आपको चीज़ें सारी, कि कभी आपकी ऑप्टिमिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और बेसिस में a1 आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, जीरो आ रही है, तो भी आप फेज टू में जा सकते हैं, वो मैं अगले स्टेप में बताने वाला हूँ. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल एक्स वन है, आउटगोइंग वेरिएबल ए वन आ गया है. अब यहाँ पे की एलिमेंट निकालना है, तो की एलिमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 13 बाय 7. ठीक है, जो की एलिमेंट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 13 बाय 7. ठीक है,
अब हम नए सिंप्लेक्स टेबल में क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि जो की एलिमेंट है उसको वन बनाना है और की कॉलम के बाकी एलिमेंट क्या करना है, जीरो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओल्ड टेबल हो जाएगा। तो इस ओल्ड टेबल में दो रो आ रही है, आर वन ओल्ड और आर टू ओल्ड। तो आप क्या करोगे, आर वन ओल्ड में की एलिमेंट आ रहा है तो नए टेबल में कहाँ पे आएगा वो, नए टेबल में कहाँ पे आएगा वो, आर वन न्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो नया टेबल का स्ट्रक्चर स्टेप से लेके रखा है। ठीक है, तो हमें करना क्या रहेगा, इसको वन बनाना है। तो क्या करेंगे हम, इस आर वन ओल्ड को किससे डिवाइड कर देंगे, 13/7 से डिवाइड कर देंगे, या ऐसा बोल सकते 7/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये की एलिमेंट क्या हो गया, वन हो गया। फिर उस वन की हेल्प से हम क्या करेंगे, की कॉलम के बाकी एलिमेंट जीरो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, टेबल को फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटगोइंग वेरिएबल है वो ए वन है, तो नए सिंप्लेक्स टेबल में ये ए वन वाला कॉलम नहीं आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टू फेस का हमारा बेस मेन कंसेप्ट क्या रहेगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को इनिशियल सॉल्यूशन से रिमूव करना है। ठीक है, तो हमने रिमूव कर दिया उसको। ठीक, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे देखिए, सीजे में क्या आएगा, एक्स वन का कोएफिशिएंट जीरो, एक्स टू का कोएफिशिएंट जीरो, एस वन का कोएफिशिएंट जीरो, एस टू का कोएफिशिएंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिस में, अब बेसिस में क्या होगा, ए वन तो हो गया आउटगोइंग वेरिएबल, और ए वन की जगह नया वेरिएबल कौन सा आया, ए वन गया आउटगोइंग, तो एक्स वन क्या हो गया, इनकमिंग। तो जहां ए वन लिखा था वहां कितना लिख देंगे हम, एक्स वन, और जहां लिखा था एक्स टू वो उसके एक्स टू लिखे रहने दो। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्स वन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट कितना है, जीरो है। ठीक है, फेस वन की बात कर रहे हैं हम, एक्स टू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फेस वन में ध्यान रखना है एक्स वन एक्स टू के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहते हैं वो जीरो मानते हैं। ठीक है, और ए वन ए टू के ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट कितने मानते हैं, माइनस वन मानते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो की कॉलम है, ठीक है, की एलिमेंट है उसको हमें वन बनाना है। अब की एलिमेंट को वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब चेंजेस कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन लगा के देखिए, वो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है, ये थर्ड सिंप्लेक्स टेबल ये कैसा टेबल हो गया हमारे लिए, न्यू हो गया। और ये जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल ये कैसा हो गया हमारे लिए, ओल्ड टेबल हो गया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस ओल्ड टेबल में दो रो आ रही है, आर वन ओल्ड और आर टू ओल्ड। की एलिमेंट आ रहा है हमारा आर वन ओल्ड में, तो नए टेबल में की एलिमेंट कहाँ पे आएगा, आर वन न्यू में आएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, चेंज किस में करेंगे हम, चेंज आर वन न्यू में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं यहाँ पे। आर वन न्यू में चेंज करना है, तो आर वन न्यू में चेंज किया, क्या चेंज करना है, इस 13/7 की जगह मुझे क्या करना है, वन लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन ट्रिक यहाँ पे, आर वन ओल्ड को जो पुराना टेबल है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7/13 से कर देंगे। तो मैं पहले पुराने एलिमेंट सारे लिख देता हूं, तो क्या आएंगे एलिमेंट देखिए, 13/7 है, फिर जीरो है, फिर माइनस वन है, फिर 1/7 है, और ए वन को तो लिखना नहीं है, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, अब इनको अपन किससे इंटू करेंगे, 7/13 से, तो देखते जाइए 7/13 × 13/7, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो पहला एलिमेंट 1 आ गया। 0 का इंटू करूंगा 13/7 में, दैट इज कितना हो जाएगा, 0। माइनस 1 का इंटू करूंगा 7/13 में, तो कितना होगा ये, माइनस का 7/13। फिर 1/7 का इंटू करूंगा 7/13 में, तो 1/7 × 7/30 करा, तो कितना होगा ये, 1/13। और 3 का इंटू करूंगा 7/13 में, तो ये हो जाएगा 21/13। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिली मुझे, ये किसकी मिल जाएगी वैल्यू, आर वन न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आर वन न्यू कितना आएगा, 1, 0, माइनस 7/13, 1/13, और बी की वैल्यू 21/13। ठीक है, तो अभी जो टेबल है इसमें हम आर वन न्यू में क्या क्या रखेंगे वैल्यू, देखिए यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे हम, 1, फिर 0, फिर माइनस 7/13, और फिर 1/13, और फिर 21/13। ठीक है, ये जो वैल्यू आई हमारी आर वन न्यू की पुटअप कर दी हमने। ठीक, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट की कॉलम बना गया, अब इस वन की हेल्प से क्या करना है, की कॉलम के बाकी एलिमेंट जीरो करना है। तो की एलिमेंट वन बना लिया, अब की कॉलम के बाकी एलिमेंट क्या करना है आपको, जीरो करना है। तो कैसे करेंगे जीरो, देखिए ये वन आ गया,
ये कौन सी रो में आ रहा है, आर वन न्यू में आ रहा है, तो आर वन न्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, आर टू न्यू में जो की एलिमेंट की कॉलम का एलिमेंट आएगा उसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। तो जो ऑपरेशन है वो लगेगा किसमें, ऑपरेशन वो लगेगा आर टू न्यू में, किसकी हेल्प से लगेगा, आर वन न्यू की हेल्प से लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, आर टू ओल्ड लिख दूंगा, ठीक है। अब दिमाग लो, R2 ओल्ड में ये जो हमारा सेकंड सिंपलेक्स टेबल है ओल्ड वाला, R2 ओल्ड में कितना आ रहा है यहाँ पे, 1/7 आ रहा है, ठीक है। R2 ओल्ड में आ रहा है 1/7, और R2 न्यू में की कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ तो 1 है और यहाँ 1/7 है, तो हम क्या करेंगे, R1 न्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब एलिमेंट कैसे लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के लिए, R2 ओल्ड लिख दिया, R2 ओल्ड में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, R2 ओल्ड में 1/7, यह हम पहले सा कर सकते हैं, चलिए इसको इसे करिए, R2 ओल्ड लिखा, R2 ओल्ड के एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1/7, फिर 1, फिर 0, फिर -1/7, ये चार एलिमेंट है, एक को अपन ने हटा दिया है, और बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 1 आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, नेक्स्ट R1 न्यू लिखेंगे, और R1 न्यू में किसका इंटू करेंगे हम, 1/7 का इंटू करेंगे, तो ठीक है। तो R1 न्यू ऊपर ही लिखा हुआ है, 1, 0, -7/13, 1/13, 21/13, और इन सब में किसका इंटू करना है, 1/7 का इंटू करना है, तो 1/7 × 1 करा, दैट इज कितना हो जाएगा ये 1/7, अब इनको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/7 × 0 करा तो 0, 1/7 × -7/13 करा, 1/7 × -7/13 करा, 7/7 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, ये -1/13 बचेगा, फिर 1/7 × करा मैंने 1/13, तो दैट इज ये कितना आ जाएगा, 1/13 × 7, दैट इज कितना जाएगा, ये 91 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, 21/13 है, इसका इंटू करा 1/7 में, तो 21/13 इंटू करा मैंने 1/7, तो ये जाएगा 7 × 3 = 21, तो कितना बचेगा, ये 3/13 बचेगा, ठीक है। और अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, इनको माइनस करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1/7 और -1 + 1/7 - 1/7 कितना होगा, 0, फिर 1 - 0 = 1, 0 + 1/13 कितना होगा, 1/13। अब यहाँ पे देखिए, -1/7 और माइनस क्या है, 1/91, तो ये जगह -1/7 - 1/91, तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, 91। अब 91 के टेबल में 7 कितनी बार आएगा, 13 टाइम, दैट इज कितना होगा, -13, और 7 के टेबल में 91 के टेबल में 7 कितनी बार, 13 टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे 91 आ रहा है, तो 91 के लिए यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -14/91। अगर मैं इसको 7 से कट ऑफ करूँ तो कितना होगा, ये -2 और ऊपर नीचे बचेगा 13, दैट इज कितना आएगा यहाँ पे, -2/13। अब यहाँ पे 1 में से मैंने माइनस किया 3/13, तो 1 - 3/13 करा, तो 13 ऊपर क्या, 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10, दैट इज ये बचेगा 10/13। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, R2 न्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो R2 न्यू कितना आ गया, 0, 1, 1/13, हम इसको पुट अप कर देते हैं यहाँ पे, 0, 1, 1/13 - 2/13 और B की वैल्यू 10/13, ठीक है। अब वापस हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, ZJ, और फिर फाइंड करेंगे CJ - ZJ, ठीक है। अब देखो, ZJ फाइंड करना है तो यहाँ पर सिंपल है, ZJ, ये कॉलम CB का इंटू किस पर करना है, jth कॉलम में करना है, तो यहाँ कॉलम में दोनों वैल्यू 0 है, अब 0 का इंटू इस कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू में करोगे, तो 0 × 1 = 0, 0 × 0 = 0, जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 0, ठीक है। अब इन 0 का इंटू सेकंड कॉलम में भी करोगे तो भी 0 आएगा जोड़ने के बाद, इन दोनों का इंटू थर्ड कॉलम में करोगे तो भी 0 आएगा, फोर्थ में करोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब CJ - ZJ करूंगा तो CJ सारे 0 है, ZJ भी सारे 0 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी, 0 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CJ - ZJ की वैल्यू क्या हो गई, <= 0 हो गई, और यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का था हमारा, मैक्सिमाइजेशन टाइप का था, ठीक है, फेस नंबर 1 में, ठीक है, ध्यान रखना है, फेस 1 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ने माना था मैक्सिमाइजेशन टाइप का, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, CJ - ZJ की सारी वैल्यू को लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो
फेस वन है, यानी ध्यान रखना है फेस वन का जो सॉल्यूशन है, फेस वन सॉल्यूशन क्या हो गया इज ऑप्टिमल। ठीक है, अभी ऑप्टिमल हो गया। अब यह ध्यान देने वाली बात क्या है, बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा है। अब ये दो तीन कंडीशन बता रहा, ध्यान रखना है आप, और इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। बेसिस में अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा और उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और आपकी अगर ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल नहीं है, हम प्रोसीजर को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कब, वापस सुनना, बेसिस में अगर आएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो बी की वैल्यू वो कैसी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, तो उस केस में आपकी अगर ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोसीजर को टर्मिनेट या स्टॉप कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन फिजिबल नहीं रहेगा। दूसरा केस, अगर बेसिस में आएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल और उसकी वैल्यू कैसी आएगी, जीरो आएगी, तो हम कहाँ पे मूव कर देंगे, फेस टू पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर बेसिस में आएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल और उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो हम क्या कर देंगे, फेस टू में चले जाएंगे। ठीक है, अगर बेसिस में आया आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक, बेसिस में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आया, ठीक है, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो भी हम क्या करेंगे, फेस टू में मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए वन ए टू नहीं आ रहा, मतलब उनकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था फेस वन का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेसिस में यहाँ पे A1 A2 नहीं आ रहा, उनकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जीरो हो गया। ठीक है, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, फेस वन से जाएंगे हम फेस टू में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब फेस वन से आप फेस टू में मूव करोगे तो चेंजेस क्या क्या होंगे, ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीज है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसकी जगह हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लेंगे। अब ध्यान रखना है आपको, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे जो A1 A2 है इनका यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, इन A1 A2 का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिस में से हट चुके हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो जो हमारा फेस टू रहेगा, फेस टू में देखिए क्या हो जाएगा, असाइन एक्चुअल कॉस्ट टू द डिसीजन वेरिएबल एंड कॉस्ट जीरो टू द सरप्लस वेरिएबल, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले ही कर चुके हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमने असाइन कर दी है और सरप्लस वेरिएबल को हमने जीरो कॉस्ट असाइन कर दी पहले ही। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, हमारी प्रॉब्लम थी मिनिमाइजेशन टाइप की, हमने उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया है, इसलिए माइनस माइनस में आया है ना, माइनस वन का इंटू आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा लास्ट सिंप्लेक्स टेबल है फेस वन का, सेम वही वैल्यू लिखना है, बस चेंजेस कहाँ पे होंगे, ध्यान रखना है आपको, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है, वहाँ पे जीरो आ रहा था फेस वन में, वो जीरो नहीं लेना है। अब हमें क्या लेना है, उसमें फेस ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका यूज़ करना है, उसके कोएफिशिएंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वन का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, माइनस वन, एक्स टू का कोएफिशिएंट माइनस वन, एस वन का कोएफिशिएंट जीरो, एस टू का कोएफिशिएंट जीरो, ये यूज करना है हमें। ठीक है, फेस टू में, अब हम फेस टू की बात कर रहे हैं। ठीक, बेसिस में क्या आएगा, एक्स वन, और यहां पे भी क्या आएगा, एक्स टू। ठीक है, फिर यहां पे क्या लिखना है, बेसिस में एक्स वन का कोएफिशिएंट, यहां पे जीरो था फेस वन के अंदर, अब फेस टू के अंदर, ये फेस वन का लास्ट टेबल है, ये फेस टू का वो इनिशियल टेबल बन जाएगा। बस चेंज क्या करना है आपको, सारी वैल्यू सेम लिखना है, ZJ CJ, ZJ में चेंज होगा, CJ माइनस ZJ में चेंज होगा, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे, और ये CJ लिखा है इसमें चेंज होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन देकर रखा है उसके कोएफिशिएंट हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएंगे कोएफिशिएंट, माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी आ रही, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल 21/13 और 10/13, और यहाँ पे x1 की जगह 1, 0, -7/13 और ये 1/13, फिर ऐसे यहाँ पे 0, 1, 1/13 और -2/13, मतलब जो वैल्यू देके रखी है आपको टेबल में फेस वन के थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में, वही वैल्यू हम लिख रहे हैं। बस चेंज ध्यान रखना है आपको, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है, अब इनकी जगह जीरो ना लेते हुए हम क्या लेंगे, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट देके रखे हैं वो लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, यहाँ पे ZJ, अब ZJ निकालना है तो इस कॉलम का इंटू किस में करना है, jth कॉलम में करना है, तो -1 × 1 -1 -1 × 0 0, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ZJ,
माइनस वन, फिर माइनस वन इंटू जीरो जीरो, माइनस वन इंटू वन कितना होगा, दैट इज माइनस का वन हो जाएगा। अब देखो माइनस वन का इंटू करूंगा, अगर मैं माइनस सेवन बाय माइनस वन का इंटू करूंगा माइनस सेवन बाय थ्री में, तो दैट इज ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास सेवन बाय थर्टीन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये सेवन बाय थर्टीन, ठीक है। फिर माइनस वन का इंटू करा किसमें, वन बाय थर्टीन में, दैट इज ये कितना हो जाएगा माइनस का वन बाय थर्टीन। अब दोनों को जोड़ देंगे तो एलसीएम कितना आएगा थर्टीन, और सेवन माइनस वन कितना हो जाएगा, दैट इज सिक्स बाय थर्टीन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे ये सिक्स बाय थर्टीन। ऐसे माइनस वन का इंटू करा माइनस वन बाय थर्टीन में तो ये होगा माइनस वन बाय थर्टीन, और माइनस वन का इंटू करा माइनस टू बाय थर्टीन में तो ये हो जाएगा प्लस का टू बाय थर्टीन, तो माइनस वन बाय थर्टीन प्लस टू बाय थर्टीन, दैट इज कितना हो जाएगा ये प्लस का वन बाय थर्टीन, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी जे माइनस जेड जे, तो माइनस वन में से अगर माइनस वन माइनस किए तो जीरो, माइनस वन में से माइनस वन माइनस किए तो भी जीरो, जीरो में से माइनस किया सिक्स बाय थर्टीन तो माइनस सिक्स बाय थर्टीन, जीरो में से माइनस किया वन बाय थर्टीन तो माइनस वन बाय थर्टीन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सी जे माइनस जेड जे में सारी वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइजेशन टाइप का, इसलिए इसकी जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन है वो हमें मिल गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, अब ऑप्टिमल हो गई है, ठीक है। और हमारी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेंटी वन बाय थर्टीन, और एक्स टू की वैल्यू कितनी आ रही है टेन बाय थर्टीन, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख देंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो था मैक्सिमाइज जेड स्टार इक्वल्स टू, ये था माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, एस वन एस टू जीरो है, उनके कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ वैल्यू पुट अप करी हमने तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन बाय थर्टीन, और ये माइनस ये हो जाएगा टेन बाय थर्टीन, तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना होगा ये माइनस थर्टी वन बाय थर्टीन, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से मिनिमाइजेशन में चेंज करना है, तो वो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करोगे माइनस वन से फिर से इंटू कर दो, तो माइनस वन से इंटू कर दो कितना हो जाएगा ये थर्टी वन बाय थर्टीन, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज जेड, ठीक, तो मिनिमाइज जेड हो गया थर्टी वन बाय थर्टीन, और एक्स वन एक्स टू की वैल्यू भी आ रही है, ठीक। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें फेस थ्री का जो लास्ट सॉल्यूशन रहेगा वो फेस टू का पहला टेबल बन जाएगा, बस चेंज क्या होगा मैं बार बार बता रहा हूँ, चेंज क्या होगा, ये जो कॉस्ट है फेस थ्री में वो जीरो आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा डमी या आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ठीक है। फेस टू में हम क्या करेंगे, टेबल पूरा सेम यूज करना है, आपको बस यहाँ पे सीजे की वैल्यू चेंज करना है, जो आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू देकर रखी वो यूज करना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।